हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक मॉडल पेपर हम शुरू किया था, आज का मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और किसी बेस्ट बुक के बारे में सोच रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस मॉडल पेपर कैसे करना चाहिए, तो एक बुक है CCC की, एक चाक्षु पब्लिकेशन की, राजस्थान पुलिस की मॉडल पेपर आते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि आपके लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ तो देखो ये कि इस बुक में आपको जितने भी पुराने मॉडल पेपर अगर आप साथ में करना चाहते हैं, जैसे 2012 का जो पेपर हुआ था, 13 का, 18 का, 19 का, 22 का, साथ में तो आपको मिल जाते हैं पुराने मॉडल पेपर। और इन पुराने मॉडल पेपर के साथ साथ में आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेशन, टोटल 15 प्रैक्टिस सेशन। और ये 15 जो प्रैक्टिस सेशन है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है उसका आपको विस्तृत यानी पूरा डिटेल के साथ में उसका आंसर मिलेगा आपको। दूसरी मेन चीज़ इसमें यह कि जो मॉडल पेपर दे रखे हैं उसमें साथ में आंसर नहीं है, बाद में आपको डिटेल के साथ आंसर दिया है, तो अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे यहाँ पर मॉडल पेपर है, यानी जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन है, महिला बाल अपराध वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, और साथ में आपको प्रत्येक आंसर के बाद में यानी इस प्रकार से आपको एक आंसर की मिल जाएगी, साथ में दोबारा पेपर सोल्व करने के बाद में, चेक करने के बाद में, और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल कि अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे हुआ, तो उसकी पूरी डिटेल व्याख्या के साथ में आपको आंसर मिलेगा, या फिर कोई जीके का क्वेश्चन है, महिला बाल अपराध वाला क्वेश्चन है, तो उसकी की साथ में आपको व्याख्या के साथ में प्रत्येक आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मॉडल पेपर की सीरीज का लिंक मिल जाएगा, राइट। तो चलिए फिर आज का मॉडल पेपर हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह टॉप क्वेश्चन कवर करेंगे प्रत्येक सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारणसर के नाम से। तो पहला क्वेश्चन है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन आया था। इंडिया जीके का क्वेश्चन है, और इंडिया जीके के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, आपको याद है, बेचने नहीं जाया था, इंडी का पुस्तक लिखी थी अगर आपको याद है, डीज का सही है। ओके, दूसरा क्वेश्चन कि भारत में क्रिस मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। क्रिस मिशन जब भारत आए थे उसमें चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, डी आपका सही है। अच्छा, गांधी सागर वन्य जीव अभियान जो है वो भारत के कौन से राज्य में आता है। गांधी सागर वन्य जीव अभियान जो आता है ये MP में, मध्य प्रदेश में, डी आपका सही है। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है या व्यापार और वाणिज्य करने का अधिकार देता है। तो संविधान के भाग 12-13 में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर जो है आपका सही आंसर है। ओके, कुचिपुड़ी जो है एक नृत्य का नाम है। अच्छा, ये कौन से राज्य में होता है। लास्ट बार जब राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था तो प्रत्येक पेपर में नृत्य का क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन आए थे अगर आपको याद है, तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश में होता है, यानी बी आपका सही है। अच्छा, बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 का जो है उसका एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की किस में संलग्नता पर रोक लगाना है। जो बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं उनका सभी व्यवसाय जो है उन पर रोक लगाना है कि इसमें शामिल ना हो, उनसे श्रम ना करवाया जाए, तो सारे व्यवसाय आ जाएंगे इसमें। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी हो जाएगा, चाहे खतरनाक व्यवसाय हो, औद्योगिक व्यवसाय हो, या कुछ निर्दिष्ट व्यवसाय हो, यानी ऑल सभी, बी आपका सही है। अगला, यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण पोक्सो एक्ट 2012 का जो है उसकी एक धारा है 10, उसके अनुसार गंभीर यौन हमला करने वाले अपराधी को किसी भी अवधि में कारावास की सजा हो सकती है जो कम से कम, यानी पोक्सो एक्ट के तहत धारा 10 जो है उसके अकॉर्डिंग जो यौन हमला करता है उसके लिए कम से कम सजा का प्रावधान 5 साल का है, कम से कम सजा। अब यह भी याद रखना सजा की प्रावधान कौन सी धारा में, पोक्सो एक्ट की धारा 10 के अकॉर्डिंग है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 के भाग 5 के अनुसार ट्रेविंग पुलिस अधिकारी का अर्थ एक पुलिस अधिकारी से है जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए जो पुलिस अधिकारी जो नियुक्त होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होगा, एक आपका सही है। ओके, प्राचीन उत्खनन स्थल एक नगर, नगर कहाँ पर है, नगर टोंक में आता है, ठीक है, जिसको पहले करकोट नगर कहते थे। मालो एक जनपद हुआ है जयपुर टोंक के आसपास में, अगर आपको याद है मालो जनपद की राजधानी थी, एक शब्द आता है नगरी, नगरी जो थी ये सीवी जनपद की राजधानी थी, याद रखना है, नगरी को कहते थे मध्यमिका जो चित्तौड़गढ़ में है, ये नगर टोंक में है। ओके, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई थी, इनमें से कौन सा स्थान है जो भीलवाड़ा में है, तो लछूरा एक जगह है, 1998 में इसकी खुदाई हुई थी, राइट आंसर एक है।
अच्छा, इनमें से किस शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में राजा अजयपाल चौहान के द्वारा की गई थी? 7वीं तो नहीं है, 11वीं कह दिए। अजमेर की स्थापना हुई थी, अजयपाल जी ने की थी। हालांकि क्वेश्चन आया बहरासन पुलिस में, लास्ट बार जो पेपर हुए थे उन्हीं का क्वेश्चन है ये, बीच का सही आंसर है। ओके, इनमें से कौन जो है प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा है? प्रतापगढ़ रियासत में सेमकंड जी रहे हैं, महारावल प्रताप सिंह जी, वहां के शासक को महारावल लगता था, सुरजमल जी भी है, रणजीत सिंह जी नहीं रहे हैं, तो डी हो जाएगा, गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को लड़ा गया था, हो सकता है आपको 18 जून की जगह 21 जून भी मिल जाए, दोनों ही डेट सही मानी जाती है। मेवाड़ के माना फतेह सिंह का एक व्यंग्य चेतावनी रा चुगुट्टा किसने भेजा था जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्य पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए थे? यानी केसरी सी बार्ड जो है उन्होंने लिखा था चेतावनी रा चुगुट्टा, किसको रोकने के लिए? मेवाड़ के माना फतेह सिंह को रोकने के लिए। कहां से? दिल्ली दरबार में 1903 में और फिर 1911 में, दोनों ही हो जाएगा। दूसरा था कि चेतावनी रा चुगुट्टा कितने सोरटों में? 1300 सोरटों में लिखा हुआ है। किसने लिखा था? केसरी सी बार्ड ने लिखा था। इनमें से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम यानी अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया था? अमरदास वैरागी के नाम से जो रहे थे वो कौन रहे थे? वो रहे थे जोरावर सिंह बारट, बी आपका सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, किस विकल्प में चयन कीजिए जो इन चरणों का सही, यानी कब से शुरू हुआ, कब से कब तक? लगभग 44 वर्ष तक चला था, 1897 से लेकर, ठीक है, 1915 तक पहला चरण आया था, ठीक है, पहला चरण आया था ये, फिर 1916 से 23 तक हो जाएगा दूसरा चरण, और 23 से 41 तक तीसरा चरण, 88 से 96 वाला नहीं है। कौन सा नहीं है वो पहचाना कि कौन से इनमें से नहीं है। 1897 से लेकर 1941 तक 44 वर्षों तक चला थे, सबसे लंबी अवधि तक। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटा जिला कौन सा है? इनमें से बताना है, अगर आपको पहले क्वेश्चन आया था तो धौलपुर, अभी नए जिलों में क्यों जाएगा, दूदू जो है सबसे छोटा है, जैसलमेर सबसे बड़ा है। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, इनमें से कौन सी इन 5 नदियों में से एक है? तो समोड़ उनमें आ जाती है, बाकी बनास, कालीसिंध, जमाई तो नदी नहीं है, तो राइट आंसर सी है। इनमें से कौन सा सही मिलान करना है? गलता जी का मंदिर अजमेर में है क्या? नहीं, ये कहां पर है? जयपुर में है। सारा सा बालाजी का मंदिर चूरू में है, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी सही है। एकलिंग जी का मंदिर जयपुर में नहीं है, उदयपुर में, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बूंदी में नहीं, दौसा में है, तो गलत, सारे गलत है, सही है बी। ब्लू पोटरी है किसका एक पर्याय मानी जाती है? ब्लू पोटरी जो है जयपुर की प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो नक्काशी की जाती है, कलाकारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ब्लू पोटरी कहते हैं। मानसी के टाइम पे आई थी, रामसी के टाइम पे इसका स्वर्णकाल माना जाता है। कृपाल सिंह शेखावत जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। और इनमें से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने का प्राचीन तकनीक है? तो ये होती है एप्लीक, एक तकनीक होती है, बी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान में बीलों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्यौहार कौन सा है? इनमें से कौन सा बीलों के घर? तो बणेश्वर मेला है, इनमें से तो बणेश्वर मेला ही है, जो आदिवासियों का प्रयाग कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, सबसे बड़ा मेला है ये। इनमें से कौन सा राजस्थान के संत नहीं है? संत पीपा जी हैं, चंदासी है, माओजी भी है, बसवेश्वर जी जो है इनका संबंध राजस्थान से नहीं है, तो राइट आंसर सी है। ओके, प्रिंट रेजुलेशन को किस संख्या रूप में मापा जाता है? तो किसमें मापते हैं? डॉट्स पर इंच जाते हैं, डीपीआई, डॉट्स पर इंच नापा जाता है, यानी एक सही है। अच्छा, चार्ट, ग्राफ, सीडी ड्राइंग और मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग करते हैं? तो मानचित्र है, ग्राफ है, चार्ट है, इनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं, एक सही है। अच्छा, एमएस वर्ड में अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का या की का यूज करते हैं? एमएस वर्ड में अगर आप स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना है तो किसका यूज, शॉर्टकट की क्या होती है? तो F7 का यूज करेंगे इसके लिए, F7, एक सही है। इनमें से फाइल एक्सटेंशन में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? 2010 एमएस एक्सेल जो था उसका 2010 में जो नहीं था कौन सा निका, ये भी है, ये नहीं होगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी नहीं है, बाकी तो सारे आपके सही हैं। अच्छा, एक्सेल 2013 में एक कक्ष यानी एक सेल में अधिकतम कितने वर्ण यानी करेक्टर हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं, ये भी क्यों सुनाया था, 32,767 हो सकते हैं अधिकतम, ये लास्ट बार राजस्थान पुलिस का पेपर जो था उसमें ये क्वेश्चन आया था, याद रखना, एक सही है। सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, नया नया आया था। पहला है कि बोगली, बोगली है महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है, बोगली सही है। सटका, स्त्रियों के द्वारा कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण सटका होता है, ये भी सही है। हिरना मैन, स्त्रियों की नाक में नहीं पहनते, नाक में पहनने वाला आभूषण नहीं है, ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये हो गया गलत।
और बचूरिया जो है ये महिलाओं का कान में पहने जाने वाला आभूषण है, तो गलत कौन सा है? सी गलत है। जालीबाब बावड़ी और मामदेव जी का कुंड किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आता है कि कुंभलगढ़? कुंभलगढ़ के दुर्ग में है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी है, वो सही है। जालौर में ढोल नृत्य किस शैली में होता है? ढोल नृत्य विवाह के टाइम पर होता है, जालौर का प्रसिद्ध है, और ये थाकना शैली में या थाकन शैली में बजाया जाता है। हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाडला कहा जाने वाला पक्षी ग्रीनलैंड गूंज जो है वो कौन से अभयारण्य में? तो हंस प्रजाति का सबसे लाडला पक्षी माना जाता है कौन सा? ग्रीनलैंड गूंज। ये कहां पर होता है? ताल छापर में होता है, ताल छापर चूरू में है। ओके, रेगिस्तान में वन्य प्रजातियों को एक ही स्थान पर रखने के लिए डेजर्ट जू बनाया गया है, कहां पर? बिछवाल में। बिछवाल कहां पर है? बीकानेर में। और राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? सिरिस का ए जो है सबसे छोटा है, और दूसरा सबसे छोटा सज्जनगढ़ है जो उदयपुर में है। कौन सा अभयारण्य में मानसिर वाकल और सोम नदियों का उद्गम होता है? मानसिर वाकल नदियों के लिए फुलवारी नाल अभयारण्य है। राजस्थान वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है वो कब से लागू हुआ था? याद रखना राजस्थान में बताना है, राजस्थान में हुआ था 1 सितंबर 1973 को, भारत में हुआ था ये 9 सितंबर 1972 को, भारत में नहीं पूरे देश में, इस राज्य में जो हुआ था 1 सितंबर 1973 को। राजस्थान में हुन ओंकार तोप जो है वो कहाँ पे है? तो ये तोप है धौलपुर में, राइट आंसर बी है। ओके, अगला है कि पश्चिमी राजस्थान में खुशी या गम के अवसरों पर अपने निकट संबंधी और मित्रों के मेल मिलाप के लिए किए जाने वाला आयोजन कौन सा होता है? खुशी या दुख के टाइम पर जो मेल मिलाप करते हैं उसे क्या कहते हैं? रियान कहलाता है ये प्रथा। ओके, तन सुख क्या है? तन सुख क्या भी अंगरखी है, अंगरखी यानी सी सही है। ओके, दो या चार लड़ी के गले में पहने जाने वाला जो हार होता है उसे क्या कहते हैं? हांसला कहते हैं। और इनमें से कौन सा सबसे बड़ा लोकवाद्य है? टामक सबसे बड़ा है, आप तो सबसे छोटा कौन सा है कॉमेंट करके अगर बता सकते हो। मेवाड़ का उदारक किसे कहते हैं? तो राणा हमीर को कहते हैं, विषम घाटी पंचानन के नाम से जिनको हम जानते हैं, डी सही है। और मेवाड़ के विषम पिता किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा जी मेवाड़ के विषम पितामह कहलाते हैं। अच्छा, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्र सेन, बोला बिसरा राजा, वीर समर्थी शासक, माना प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। ओके, और नेक्स्ट है कि माणा कोम्बा के द्वारा निर्मित कराए गए कुशाल माता का मंदिर का, कुशाल माता बदनोर में और बदनोर है भीलवाड़ा जिले में। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रोग फास्फेट खनिज से संबंधित नहीं है? रोग फास्फेट का तो सबसे मेन एरिया जो आता है झामर कोटड़ा है जो कि उदयपुर में है, वो आपको याद ही है। इसके अलावा आमीठ राजसमंद में नहीं है, बिरमानिया जैसलमेर प्रसिद्ध है, अचरोल जयपुर भी प्रसिद्ध है, झामर है डाकर नहीं है भी याद रखना, झामर कोटड़ा उदयपुर भी प्रसिद्ध है, तो आमेट नहीं है, बाकी सारे सही है। भील आदिवासियों में गुरु गोविंद गुरु से संबंधित स्थल बताना है, भील गुरु गोविंद गुरु से संबंधित स्थल कौन था? मानगढ़ धाम जो कि राजस्थान का चले वाला बाग कहलाता है, बांसवाड़ा में है। इनमें से कौन प्रथम राजस्थान रत्न से सम्मानित शख्सियत नहीं है? राजस्थान रत्न जो सबसे पहले दिया गया था विजयदान देथा जी हैं, मांडगए का गौरी देवी जी नहीं है, गजल सम्राट जगजीत सिंह जी है, कोमल कोठारी जी भी हैं, तो मांडगए का गौरी देवी नहीं है। अगला कि रेगिस्तान का कलवृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। और मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, यानी पीपल को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, विवाह हाथीवेड़ो कहलाता है, एक सही है। और मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, और जीवन साथी जो है यानी पति पत्नी को क्या कहते हैं? हाथीवेड़ो तो विवाह हो गया है ठीक है, लेकिन उस विवाह परंपरा से पति पत्नी होते हैं वह हर जलाड़ी कहलाते हैं, हर जलाड़ी तो राइट डी है। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष एक हाथ में छाता लेकर और एक हाथ में तलवार लेकर करते हैं जो गराशियों का घूमर कहलाता है, यानी वाला नृत्य होता है धीमी गति से बिना वाद्य यंत्र के। गौरी का नवीन रूपांतरण यानी पशु गायत्री किसे संबंधित है? पशु गायत्री का संबंध जो है वो किसे है? भानु भारती यानी डी है, वो सही है। अच्छा, घूगरे मेले का आयोजन है आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, घूगरा मेला कौन से महीने में आता है? पौष मास में आता है, सी सही है। शारदा मंदिर राजस्थान में कहां पर है? पिलानी में है, बी सही है। ऐसा कौन सा समुदाय है जो राम की भक्ति और पूजा कृष्ण की भांति उन्हें रसिक प्रिय मानते हुए की जाती है? राम की भक्ति व पूजा कृष्ण की भांति उन्हें रसिक मानते हुए करते हैं, जैसे कृष्ण जी की वैसे राम जी की, और ये रामानुज संप्रदाय जी, एक सही है। अलग पतिसी और परमार्थ विचार ये ग्रंथों के लेखक कौन से संत है? किन के ग्रंथ है ये? चतुर सिंह जी के हैं, राइट आंसर डी है।
अच्छा, रूठी रानी एक पुस्तक का नाम है। रूठी रानी तो आपको याद ही, इतिहास में जिनको मारी कहते हैं, ये पुस्तक है वो केसरी सी बारठ जी की है, सीसी है। अच्छा, विटामिन शब्द किसके प्रतिपादित कौन है? विटामिन शब्द जो है किसका है, किसने प्रतिपादन किया था? फंक ने, बी सही है। और चाय में लाल रस्ट रोग जो है किसकी वजह से होता है? चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो हरे शैवाल की वजह से। और इससे टकी आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? दूरदृष्टि बीमारी जो होती है वो नेत्र गोले के छोटा होने से होती है, यानी राइट आंसर आपका सी है। तो ये थे आपके 61 टॉप क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट कर बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, और पुस्तक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा अगर आप चाक्षु पब्लिकेशन की अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो, ठीक है, जहाँ पर आपको पुराने पेपरों के साथ 15 नए मॉडल पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से चेक कर लेना। लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।